कर दिया तुमने। अब तो मेरे को टीवी में बात करना है। अब हेलो, इतने में फोन कर दिया, टीवी में बात करो तो क्या होगा भाई? टीवी में हो या टीवी के बाप में हो, टीवी की बीमारी पकड़ लिया हुआ। टीवी की बीमारी मैं दिखा दूंगा कि यहोवा कौन है और कौन यहोवा के मानने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ भैया, मेरे भाई मुझे क्यों सुना रहे हो आप? अब मैं आपको चैनल देता हूँ, किसी चैनल पे दर्ज करो। मैं तस्वीर में मेरा नाम किस चैनल में मेरे से दर्ज करोगे आप हार गए। मैं बता तो रहा हूँ कि आओ दिल्ली में आकर के बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो फिर दुनिया को पता लगेगा कि सही असल में धर्म किसको कहा गया। ना ईसाई धर्म है ना इस्लाम धर्म है। ईसाई तो जानता भी नहीं है कि धर्म होता क्या है। सनातन का नाम ही नहीं है सर। किस ग्रंथ में सनातन लिखा है मेरे को? मेरे चाचा सामने आओ ना, पता लगेगा था वो कितना गुड़ा लिखा। मैं बता रहा हूँ कि ये टेलीफोन पे वार्तालाप की नहीं है। आप YouTube में आपने देखा है, मेरा नंबर आपके पास आ गया है और मेरी दुनिया को खुली चुनौती है। ये जितने भी मजहब वाले हैं इनको ये धर्म और मजहब का भी मेरी योजना को चुनौती मत देना। मुस्लिम फंस जाएगा आपके घर में, पक्का उल्टा पुल्टा होगा। परमेश्वर योजना को चुनौती मत देना। आपको मालूम है आज की धर्म आज अरे मुझे क्यों मुझे सुना क्यों रहा है ये बता पहले। मुझे क्यों सुना आज की डेट में? सुनो भाई मेरा, मुझे क्यों सुना रहे हो आप पहले ये बताइए। मेरी चुनौती चुनौती आपको मुझे सुना क्यों रहे हो आप? अप्रैल में आपसे डिबेट करूंगा मैं। अप्रैल में नहीं, इसी समय आ जाओ, इसी नवंबर में ही आ जाओ। नवंबर में कौन माँ का दूध पिया है? मैं देखना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और मजहब क्या है। कोई माई का आ जाए चुनौती है। आपने कैसे अपने वेद को अठारह जितने ग्रंथ है ना उल्टे पुल्टे सामने क्या जा रहा? मैं कह रहा हूँ आप मुझे क्यों सुना रहे ये बता पहले। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपने जो है आप परमेश्वर यहोवा की सत्ता को साथ साथ में कर। मैं कह रहा हूँ यहोवा का बाप मेरे पास हारा हुआ है। यहोवा यहोवा क्या चिल्ला रहे यार? गट मत बोलो। और मुश्किल से आगे परिवार में दिक्कत आएगी। यहोवा परमेश्वर बोल रहा है क्या दिक्कत आएगी या क्या? वो तो हमारी दिक्कत को आप कह दे कि नहीं हमारी हमें दिक्कत आने दो। हमें दिक्कत के सामना करना जानते हैं। लेकिन मैं लाओ वेटिकन सिटी से बुला के लाओ किसी को, कौन है यहोवा का बाप। बुरी बात सुनो, हम पंडित से बात कर सकते हैं? बार बार क्यों परेशान कर रहे हो भाई? मैं ये बताता हूँ, देखो बात सुनो, मैं एक लॉजिकली बात बताता हूँ आपको। मेरे अजीज, मेरे मित्र, आप मेरे को क्यों बताना चाह रहे हो? मैंने तो आपसे पूछा नहीं कि कुछ बता। आप बताओ। सुनो मेरी बात, परमेश्वर यहोवा की शरण में आप आ जाओ। अरे हम किसके शरण में आएंगे? आपको क्यों चिंता लगी है? आप है ना परमेश्वर की शरण में? हम है ना परमेश्वर यहोवा की शरण में। आप ये बताओ, आप ऐसा है आप खुद रहिए ना, आप दूसरे को क्यों बुला रहे हैं? तो आप मिसगाइड करते फेसबुक पे। क्या मिसगाइड किया फेसबुक पे? आप देखो बस सुनो, मैं मानता हूँ कि ये मुस्लिम है ना, मुस्लिम की धर्म नहीं, मैं चीज को मानता हूँ। इस्लाम एक इस्लाम आतंकवादी हूँ, मानता हूँ चीज को। लेकिन ये जो आप बताते ना, एक परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। आप किसी ईसाई भाई मेरा यहोवा पर भी काम किया हुआ, यहोवा विटनेस वालों से मेरा डिबेट है, उसको देख लो, सुन लो पहले, फिर उसके बाद बात करना। अच्छा फिर मैं इस समय आपने मेरे मैं इस समय आप मुझे क्यों बताना चाह रहे हो? मैं ये नहीं समझ पाया, मुझे क्यों बताना चाह रहे हो आप अपनी बात? आप देखो जितना आप हिंदू जिम के लिए उतना हमारे लिए करो, तो आपको पैसा बहुत मिलेगा, पता है। आप हमारे लिए काम करो। आपके हम पैसे के लिए नहीं काम कर रहे हैं चाचा। तू कहीं गलत फहमी का शिकार है। अगर हम अपने माँ बाप के संपत्ति को लात मार करके आ गए, तू क्या देगा मेरे को? मेरी बात सुनो, मेरी बात, अमेरिका बहुत कुछ देगा आपको। मेरा हमें नहीं चाहिए ना, हम धन दौलत के लिए नहीं काम कर रहे हैं। मेरा नाम पास्टर पाल हर्षन, एक्चुअली पास्टर पाल हर्षन है। तू कुछ भी नहीं है। तू जो मुझे मत सुना, मैं बता रहा हूँ कि क्यों सुना रहे हो मेरे को। हमें डिबेट में अगर हरा दे मैं दावा के साथ कह रहा हूँ लाखों के तादाद में ईसाई बना दूंगा। अगर हार जाए तो तुझे भी बनना पड़ेगा। आ जाओ, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा यहोवा सत है तो आ जाओ, खुली चुनौती है। डिबेट में मुझे हरा दो, फिर मैं स्वीकार कर लूंगा।
बिल्कुल, मैं चुनौती आपको मैं देता, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ मेरे मित्र। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मेरी खुली चुनौती है, अगर मुझे आप हरा देंगे तो मैं लाखों की तादाद में ईसाई बना दूंगा, और अगर मुझे हार गए तो फिर आप नतीजा क्या होगा आप अपने आप बताओ। अगर मैं हार गया तो मैं फिर से हिंदू बन जाऊंगा, और बोलो आप ठीक है। बस 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 बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप ये आप दिन और समय हम निर्धारित कर लेते हैं और हम डिबेट करते हैं, ये डिबेट दिल्ली में हो। मैं शाम को आपको फोन करता हूँ, किसी टीवी चैनल पर डिबेट होना चाहिए। टीवी चैनल पर होने से वो उतना वो नहीं होगा, ताकि मेरे तर्क सुन के मेरे भाई मैं मेरी बात सुनाते हैं। मेरे आप मेरा काम किया हुआ यूट्यूब में है, आप देख रहे हैं, फेसबुक में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। बाकी ये है कि अगर आप टीवी में करते हैं तो टीवी वाली व्यवस्था आपके पास है, कौन से टीवी में आप करेंगे वो हमारे। सुनो, मैं अपनी अमेरिकन एजेंसी को फोन करूंगा ना, तो 50 चैनल खड़ी कर देगी यहाँ पे इनके पास। मैं अमेरिकन एजेंसी को फोन करूंगा, अमेरिकन एजेंसी को फोन करूंगा ना, हाँ? तो 50 टीवी चैनल खड़ी कर देगी। आपके इंडियन में इतना दम नहीं है, ठीक है। मेरे को तुम लोग सुनील का बोलते थे, लेकिन क्या मैं आज बहुत बड़ा हूँ, पास्टर हूँ एक। अरे भाई, डॉक्टर है या बैरिस्टर है, इससे हमें क्या लेना है। शाम को फोन करता हूँ आपको, शाम को जगह तय करते हैं, डेट तय करते हैं। आप अपने चारों पांच छह बेग लेके आना, रामायण महाभारत लेके आना, और मैं सिर्फ बाइबल लेके आऊंगा। हमें कुछ नहीं लाना है, हमें सारा कंटेस्ट है, हमको कुछ लाना नहीं होगा। अब बाइबल लेके आओ, बाइबल के बाप को भी लेके आओ, ईसा मसीह को भी बुला के लाओ, उसकी माँ मरियम को भी बुला के लाओ, और गौर को भी बुला के लाओ। मैं छक्का ना छुड़ाया, पानी ना पिलाया, छत्ती का दूध याद न दिलाया, तो फिर मेरा नाम मत लेना। लेकिन मेरी बात सुन, अगर हार गया ना तो उसी समय तेरे को बपतिस्मा लेना। मेरे को क्या करेगा तू, पहले अपना सोच करके आ, ठीक है। मेरे को क्या करेगा, पहले अपना सोच करके आ चाचा। तू अगर हार गया तो तेरा नतीजा क्या होगा, तू पहले सोच करके आ। मैं उसी समय दोबारा फिर से आज 30 साल ठीक है मैं 30 साल का हिंदू बन जाऊंगा। ठीक है, हिंदू क्या बन जाएगा, हिंदू तो हम है ही नहीं है, हिंदू क्या बनेगा। तो आप क्या फिर आप भाई, यही तो बात है, ये यूट्यूब में सारा लगा हुआ है मेरे भाई, देख लो पहले। आप हार गए, आपको सनातन को गंदी गाली देनी पड़ेगी, डेट टाइम ऐसा है, गंदी गाली उसकी माँ बहन की गाली देनी पड़ेगी सनातन को। भाई ये वो तो सामने आने पर पता लगे ना कि सनातन है, पुरातन है या नूतन है। ठीक है, मैं शाम को आपको 8 बजे फोन करता हूँ। ठीक है सर। मैं अपने बड़े पास्टर साहब फादर साहब से बात करके ना आप बताते हो, मैंने महेंद्रपाल आर्य को चैलेंज किया है ना, बोलते हैं बड़े को बताओ, बड़े के बाप को बताओ, और उससे भी उसका बाप को। तुम्हारे जितने भी यहोवा के बाप माँ है सबको ले आओ, बाप नहीं है अरे कहा पे, तो बिना बाप के हो, युवा को बेकार नहीं है, युवा को हृदयहीन मूर्खों को ये पता नहीं लग पाता है कि जब तक स्त्री और पुरुष के रज और वीर्य के सम्मिश्रण नहीं होता है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है, सृष्टि नियम विरुद्ध है। पर युवा ने बढ़ाया, अरे भाई सामने आ जाओ, समझ रहे हो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। आपके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, पता है आपके बच्चे है ना, वो फ्री में पढ़ेंगे, वर्दी फ्री में मिले, प्लस आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, आपको मकान भी बना के दिया जाएगा। जनाब सुन रहे हो, हेलो सुन रहे हो भाई, मेरा पैसे का मांग तो आपने किसी ने आपसे की नहीं, तो आप क्यों लालच दे रहे हैं मेरे को। मेरी बात सुनो, मेरे को अछूत बोला जाता, शूद्र बोला जाता था यहाँ पे, मैं हिंदी में शूद्र बोला जाता मेरे को। आज मेरी बात सुनो, आज मेरा मकान भी बना दिया, प्लस मैं एक पास्टर हूँ यहाँ पे डेरा बस्ती में, ठीक है। किसी टाइम मेरा नाम कृष्ण कुमार होता है, मैं पालन रतन हूँ, समझ रहे मेरी बात है। और मेरे बच्चे फ्री में पढ़ रहे, वर्दी भी सही मिली है, लेकिन हाँ जो पैसा देता है अपना सिक्योरिटी से लेता ना की लेता है। आप किसी को पैसे दो, अपना जिम्मेदार लोगे ना, समझ रहे मेरी बात, कि आपका पैसा डूबे ना, सोचोगे ना।
सोचोगे या नहीं सोचोगे बताओ। अरे भाई मैं ना समझ नहीं हूँ, आप क्या मुझे ना समझ समझ रहे हो जो बार बार समझ गया कि उस समय क्या, उस समय हमारी एजेंसी सिर्फ आपसे एक स्टाम्प पेपर लिखवाएगी, मैंने स्टाम्प पेपर लिखवाएगी मैंने कितने परसेंट लोन पे ये पैसा इसको दिया, ठीक है। और कल को आप मंदिर में जाते हो, कभी आप मंदिर में जाते हो पकड़े गए, आरती का करते हुए पकड़े गए, हिंदू त्योहार मनाते हुए पकड़े, तो उस समय कंपनी हमारी जो है को आपसे पैसा वसूल कर ले, उस समय वो कोर्ट में भीड़ लेगी। लेकिन अदरवाइज क्या है कि आप उस पैसे को यूज कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, पूरी फैसिलिटी हम लोग देंगे, ठीक है भाई। मैं ये नहीं समझ पाया कि आपने ये किसने आपको बता दिया है कि मैं पैसा के लिए ही इस्लाम छोड़ा हूँ। नहीं मेरी बात सुनो, ऐसा कि आपके बारे में हमारी एजेंसी को इतना बोला जो पंडित महेंद्रपाल आ रहा है, जो महबूब अली क्या नाम था उनका, उनको जो ये अपने एजेंसी में लेगा उसको बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा सर, मेरा कम से 50 लाख का फायदा हो जाएगा। हाँ, तो आपको तो आपको फायदा होगा वो तो मैं भी समझ रहा हूँ मेरा, तो सर लेकिन ऐसा आप अपने फायदा के लिए हमारा घर उजाड़ोगे। आपका घर कहाँ समझिए सर, सर प्रोजर ये होगा क्या है? मैं देख, मैं जब एक सत्य को पाने के लिए सच्चाई के कारण ही मैं उसी सत्य को आज 30 वर्ष प्रोजर ये हुआ है, मेरी सच्चाई परमेश्वर यहोवा है, दुनिया किसने आप बाइबल पर यहोवा है भाई, परमेश्वर यहोवा है कि परमेश्वर गूंगा है वो तो बाद की बात है, वो तो जब सामने आएंगे तब, जब पड़ताल होगी तब पता लगेगा। लेकिन मुझे मेरी भाई मेरी पहले सुनो आप, मुझे हैरानी इस बात से है कि आपको बता दिया है कि आपको 50 लाख तक आप अपनी आमदनी करने के लिए आप मुझे पैसे का लोभ दे रहे हो, मुझे मेरा घर उजाड़ना चाह रहे हो, बताइए। आपका रेट 5 करोड़ का है, आपको 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर मिल सकते हैं, और खाली जो आपको 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर मिलेंगे आपको, और सुनो मेरी बात, जो आपको अपने साथ लाएगा उसे अलग से इनाम मिलेगा। आपको खाली सिर्फ आपको 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर मिल सकते हैं, और आप कमाना चाहो तो, नहीं कमाना चाहो तो फिर रुपये में कितना, 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर दे करके जेल भिजवाना चाहते हो क्या? जेल नहीं भिजवाएंगे, सुनो मेरी बात सुनो, सरकार में अपने बंदे हैं तो मोदी आ गया ना, मोदी छोड़ो, मोदी 5 साल के लिए मोदी को हम गिरा देंगे, ये 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये कांग्रेस आएगी ना दोबारा, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट है, नंबर एक बात, कांग्रेस हमारी गवर्नमेंट है, तो छोड़ो आप, ठीक है, और बाकी बातें आपके समझ के बाहर है सर, ठीक है। एक मिनट, जब आप ये समझ रहे हैं कि मेरे समझ से बाहर है तो फिर मुझे समझाना चाह रहे हैं, ये खाली कल्पना की बात हो गई, खाली सुनो। अच्छा, तो हिंदुजम के लिए काम कर रहे हो ना आप, इसको हमारे ईसाई जिम के लिए करो, आपको 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर मिलेंगे, और आपको न्यूयॉर्क में फ्लैट में सब कुछ मिल सकता है। आप कह रहे सर आपके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि अमेरिकन एजेंसी आपके लिए बहुत बड़ा, जितनी ईसाई एजेंसी सबकी नजर में आप हो सर। मुझे ये बिजनेस करना नहीं है यार, मैं अपने पैतृक संपत्ति कलकत्ता शहर में अपना लैंड लॉर्ड का बिजनेस है, मैं आज तक उस पर ताक कर नहीं देखा, मैं बाप का अकेला बेटा हूँ, मेरा दूसरा कोई भाई भी नहीं है, और मैं जब आपकी पैतृक संपत्ति को छोड़ करके आया तो बताइए, हाँ यहाँ तो मैं दाना दाने के लिए मोहताज हूँ, लेकिन मैं मोहताज आप नहीं रहो सर, आप दान दाने के लिए मोहताज नहीं रहोगे, ये तो चीज है ना सर, हम थे कभी। मैं तो मेरे भाई, मैं तो कभी इनसे उम्मीद भी नहीं रखा, क्योंकि मैं स्वेच्छा से अपनाया हूँ, मुझे मेरे ऊपर जबरदस्ती किसने, जैसे आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना कि यहोवा को मान लो और ईसाई बन जाओ, ये आज तक मेरे को किसी हिंदू ने, किसी आर्य समाजी ने मेरे ऊपर जबरदस्ती की ही नहीं, और किसी ने बोला भी नहीं कि आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, तो हमने स्वेच्छा से स्वीकार किया है इसको, सत्य को जान करके। मैंने तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख करके भेजा, न मालूम कितना पापड़ बेला मैं, किन किन विद्वानों से मेरा डिबेट हुआ, आप तो सब देख रहे होंगे, वहाँ जान रहे होंगे। लेकिन आपने किसी ईसाई से डिबेट भी ना किया सर? किया मेरे मित्र, यहोवा विटनेस वालों से मेरा डिबेट है, कलकत्ता शहर, कलकत्ता जैसे महानगरी में, मैं भी उसी कलकत्ता शहर का ही रहने वाला हूँ, 42 शंकर घोष लेन में एक आर्य प्रतिनिधि सभा की बिल्डिंग में यहोवा विटनेस वालों के साथ मेरा डिबेट हुआ है, वो भी यूट्यूब में लगा है, उसको सुन लीजिए। बस सुना है, और जितना आप डिबेट करते हो उतना आपका रेट बढ़ता है। हाँ, तो बस ये असल में आपने
गलत आदमी को मुरीद बनाने का प्रयास किया है पैसा के लिए। हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए स्पेशल ऑफर है, जो आपको ईसाई बनाएगा उसको 50 लाख अमेरिकन डॉलर मिलेगा और आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आपको मुंह मांग भाई, मुझे जो ईसाई बना देगा उसे 50 लाख डॉलर मिलेगा वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ईसाई बनाएगा कौन, वो बोलो ना सर। हम कुछ मैं आपके सामने मैं कुछ